अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक थोड़ा सा रिवर का प्रॉब्लम है, रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम भी कह सकते हो। देखो बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ स्विमर इन द स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्विमर की वेलोसिटी है वो रुके हुए पानी में कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलो वो रिवर के रिस्पेक्ट में ही होगी। फिर आगे बोला क्या है, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड। जब रिवर चल रही है, बह रही है, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ड्यू टू ईस्ट, मतलब रिवर ईस्ट की तरफ कुछ जा रही है ऐसा भी। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, मतलब एक कोई, जैसे अगर हम बात करें, आप डायरेक्शन सेंस अगर देख ले तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक, और ये क्या है, साउथ है, और ये क्या है, वेस्ट है। मतलब वो साउथ की तरफ है और उसके बाद बोल रहा है साउथ बैंक एंड विश टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कब होता है, जब बिल्कुल आप सीधे चलो, तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है कि नहीं होता है, जब रुका हुआ पाथ। मतलब ये है कि जैसे मान लो ये रिवर है, ये रिवर है, आप ये साउथ बैंक पे हो, आप साउथ बैंक पे हो, सबसे कम समय कब होगा, जब आपका बिल्कुल जर्नी बिल्कुल बिल्कुल सीधा, मतलब बिल्कुल अपोजिट बैंक पे आप पहुंच जाए, तभी सबसे शॉर्टेस्ट टाइम हो सकता है। बट ये कब होगा, जब आप सीधे चलो और सीधे ही पहुंचो, तब जब रिवर रुकी हो। मगर रिवर जब 10 मीटर पर सेकंड से चल रही, रिवर इधर चल रही, तुम इस पे कूदे तो किधर चले जाओगे, इधर चले जाओगे, बोलो है कि नहीं, तब तो अपोजिट एंड पहुंच ही नहीं पाओगे, तो शॉर्टेस्ट का तो मामला ही चला गया। तो अगर आपको इधर पहुंचना है और रिवर भी फ्लो कर रही है, तो तुमको इधर इस इंक्लिनेशन पे चलना पड़ेगा। जैसे रिवर आपको बहाएगी भी तो कहां लेके चली आई, वहीं पे अपोजिट बैंक। ठीक, अब चलो कितना एंगल, मान लो थीटा डिग्री, कितना थीटा। अब जो रिवर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है, और जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 है। अब हम कैसे निकाल लें, अगर हम यहाँ पे देखिए, एक तरीके से ये हॉरिजॉन्टल, ये हाइपोटेनस एक तरीके से काम कर रहा है, तो कैसे निकलेगा, साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 0 0 कट गया, थीटा कितना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 30 डिग्री से चलेगा तो फिर वो अपोजिट बैंक क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट सामने बिल्कुल क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। अगर इस तरफ चलता तो कभी इधर नहीं, क्योंकि रिवर उसको और आगे फ्लो करा देती। तो कौन सा आंसर सही है, 30 डिग्री किधर चले, वेस्ट की ओर चले, तब जाके वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट मतलब डिस्टेंस पे पहुंच सकता है। ठीक है, चलो